जय हिंद। प्रिय सज्जनों, अब प्रोजेक्शन मैपिंग एवं ड्रोन शो का कार्यक्रम होगा। आजादी का अमृतकाल, जब पूरा देश आजादी का अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देश की अखंडता बनाए रखने वाले शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हमारी चेतनामयी सांस्कृतिक विरासत एवं शाश्वत सनातन परंपराओं की नींव पर देश नए भारत के सपने को साकार कर रहा है। वो मशहूर पंक्तियां याद आती हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। कितने पावन है लोग यहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं। देवी और सज्जनों, दुनिया के मानचित्र पर विश्व गुरु सा उभरता उदीयमान भारत, आइए इसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के संकल्प को दोहराते हैं। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये, क्रांति का प्रवाह कभी मिटने ना पाएगा, 135 करोड़ दिलों में लहरता ये लाडला तिरंगा, कभी झुकने ना पाएगा, कभी झुकने ना पाएगा। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है, मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ, संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ, स्वतंत्रता की सुगंध से हंसा हूँ, न्यू इंडिया बनकर फिर से खिला हूँ। मैं भारत हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के वचन हमेशा याद रहते हैं, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, यानी मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी, मैं कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ गतिमान नया भारत हूँ, मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है, न्यू इंडिया बनकर मैं चला दौड़ा, लेकिन रुका कभी नहीं, झुका कभी नहीं, डरा कभी नहीं। यहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, एक तिरंगे तले आके हम सब जन गण मन गाते हैं। उसी जन गण मन के दिव्य सुरों के बीच तिरंगे के पार्श्व में नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर पहली बार प्रस्तुत है देश की 75 वर्षों की विजय यात्रा जीवंत करता एक अनोखा लेजर शो, नमन कृतज्ञ राष्ट्र का मां भारती के अमर सपूतों के प्रति, नमन हमारी अखंडता को, नमन हमारी विविधता में एकता को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सिट बैक एंड एडमायर द प्रोजेक्शन मैपिंग। सियाचन में रेतीले ठंडे मरुथल में लहराते हर हर सागर में स्याह घनेरे जंगल में तोपों की गर्जन थरथड़ में गगन पवन की सरसर में जब ये धरती सो जाती है
और सो जाता है आसमान। जब सागर जंगल ऊंघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान। सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे, थे छह दर्शन भी यहीं जगे, थे चार धाम भी यहीं बने, अलग सनातन की जागे, धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को, सैनिक हैं अपने खड़े हुए, काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे हुए। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया। जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, दिल का तीरथ खरिया बिरसा ने गोरों को बहुत खदेड़ा था, रानी चिनम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थर थर घेरा था, फिर मंगल तांत्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा। फिर आए लाल बाल और पाल, अरविंद गोखले तोड़ने जाल, और बापू गांधी ने आकर जागृत कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू राजा जी मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने में आजादी का सपना साकार। प्राणहूति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास, बिस्मिल अशफाक और सिंह भगत दुर्गा देवी आजाद सुभाष। बलियां दे देकर अपनी जो आजादी हमने है जानी, प्राण अपने देकर उसे बचाने लगे हैं अपने सेनानी। है उन्हें बचाना भारत को, रक्षित रखना है देश अपना, दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लांघी, आधार दिया हर जनगण को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ ना पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित, आज उसी उषा का हम सब मिल है मना रहे उत्सव अमृत। ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई, जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाई। हर युवा उद्यमी उत्साही, सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी, हर गांव स्वच्छ हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी, सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए अधिकार, रस में आनंदित हर कोई, भारत माँ की है प्रेम था। अब चर्चा यही चले घर घर, देश अपना हुआ है आत्मनिर्भर। छुआ चंद्र अंतरिक्ष मंगल ग्रह, वैज्ञानिक विद्व प्रवीण प्रखर, ऐसे ही नए इंडिया के, इस देश सुनहरे बढ़िया की, रक्षा करते अपने रक्षक, हर आतंकी इनका दुश्मन, जो बना फिरे भारत भक्षक। वैसे हर आने वाले को ये देश सदा देता सम्मान, पर अगर शत्रु ने पांव धरा घर घुस मारेंगे लो ये जान। ऐसों के दृढ़ संकल्पों से, ऐसे ही प्रवण प्रकल्पों से, कल नया सवेरा आएगा।